आक्सन मोड़े प्रवर्तन निर्देशालय नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामलें कांग्रेस हाईकमांड को नोटिस करी ईडी। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी बयान रेकर्ड पर सानी समन जारी करा। राहुल को जून 2 और सोनिया को जून 8 तारीख में ईडी कार्यालय में हाजर होगा निर्देश दिया जाए। ईडी कार्यानुष्ठान को राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित बोली कांग्रेस। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और रणदीप सुरजेवाला कहते जे केन्द्र सरकार केन्द्रीय एजेन्सी को अस्त्र करी राजनैतिक प्रतिशोध नेबा उद्यम करुछंती। दरदाम वृद्धि और मुद्रास्फीति भली गुरुत्वपूर्ण प्रसंगरु लोकंक ध्यान हटाइबा चेष्टा करा जाउछि। पूर्णी खुलिला नेशनल हेराल्ड पेड़ी सोनिया एवं राहुल को ईडी नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग मामलारे जरा करिबो ईडी। कांग्रेस रो अभियोग ईडी को अस्त्र करिछि बीजेपी। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को पई बढ़िला अड़ुआ। नेशनल हेराल्ड खबर कागज संपर्कित मनी लॉन्ड्रिंग मामलारे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी करिछि प्रवर्तन निर्देशालय। सोनिया गांधी जून 8 तारीख रे एवं राहुल गांधी जून 2 तारीख रे प्रवर्तन निर्देशालय दिल्ली कार्यालय हाजर होगा समन जारी कर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट आपराधिक धारा अनुसार सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बयान रिकॉर्ड कर ईडी। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। सोनिया गांधी की अगर बात करें तो इस मामले में 8 जून को उनसे पूछताछ की जाएगी और वहीं राहुल गांधी से पूछताछ कल यानी कि गुरुवार 2 जून को होगी। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में पिछले कुछ दिनों पहले पवन बंसल से पूछताछ हुई थी, पवन बंसल से 12 अप्रैल को पूछताछ हुई थी, ईडी के इसी मुख्यालय में उससे पूछताछ की गई थी और पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और उन्हीं तमाम जानकारियों के आधार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ का नोटिस भेजा गया है और उसे ईडी मुख्यालय में बुलाया गया है। किसी दिन अंतराय पर पुणी गांधी परिवार को काठगड़ा को टाणी ईडी। राहुल गांधी विदेश में थी जून 2 तारीख बदल जून 5 तारीख में हाजर होगा जनई। ईडी अचानक आक्शन को नहीं तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश कर कांग्रेस पार्टी। दलर मुखपात्र रणदीप सुरजेवाला अभियोग कर प्रतिशोध परायण हो एभली कार्यानुष्ठान बीजेपी सरकार केन्द्रीय एजेन्सी को अस्त्र भाव व्यवहार करेबे कांग्रेस पार्टी आदौ भयभीत नुहे एवं कड़ा जवाब दिजी कहते सुरजेवाला। हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है, साफ है कि शासन के सब मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने में विफल तानाशाह छटपटा रहा है। देश को गुमराह करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ एक घिनौना और कायरतापूर्ण षड्यंत्र रचा जा रहा है। कांग्रेस नेता वरिष्ठ आईनजीवी अभिषेक मनु सिंह भी कहते जे नेशनल हेराल्ड खबर कागज मामलें कौन सी बेआईन अर्थ कारबार किंवा मनी लॉन्ड्रिंग प्रमाण नहीं, यह केवल भयभीत कराइबार सस्ता राजनीति छड़ा आउ किछि नुहे। सिंह भी स्पष्ट करिछंती जे यहा केवल कर्मचारी को दरमा प्रदान पई ऋण को इक्विटी परिणत करा जायथिला। केन्द्र सरकार दरदाम वृद्धि एवं मुद्रास्फीति भली मुख्य मुद्दारू लोकों दृष्टि हटाई उद्यम करुछंती। आहरी मध्य कहिछंती जे 2015 रे ईडी मामला को बंद कर देथिला परे केन्द्र रे बीजेपी सरकार संपृक्त ईडी अधिकारी को हटाई नुआ ऑफिसर को नियुक्ति दे पुणी थरे मामला को खोलिछंती। 2015 में ये केस बंद हो गया था, याद रखिए 2014 के पहले का केस है ये। ईडी की तरफ से ये केस बंद हो गया। हमारे सत्तारूढ़ सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ईडी में लोगों को बदला, हटाया, निरस्त किया अपने पदों से और नया केस खुलवाया प्रेशर डाल के, और उसके बाद अब 7 साल बाद ये समन्स दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा, कभी उनको यहां से मोड़ना है, ध्यान आपका ध्यान आकर्षित करना है, कभी इन्फ्लेशन से, कभी जो अभी जीडीपी फिगर्स हो रहे हैं उनसे, जो विभाजन की भावना चल रही है इस देश में, जो असमंजस की और जो सामाजिक उथल पुथल चल रहा है उससे हटाने के लिए। नेशनल हेराल्ड खबर कागज प्रशासक एसोसिएट जनरल लिमिटेड होता बेले यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हाथ में रही मालिकाना सत्व। पूर्व ईडी मामलें वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल को जेरा कर सारी।
2013 तत्कालीन बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विरोध में मामला रुजू करते सोनिया गांधी राहुल और अन्य ठकई और षड्यंत्र करी यंग इंडिया को मात्र 50 लाख टंका दे 90.25 कोटी टंका आदाय करिवार अधिकार हाथ सुब्रमण्यम स्वामी अभियोग करते प्रथम सीबीआई मामलार जांच करथिबा बेले मनी लॉन्ड्रिंग लिंक मामलार तदंतभार निज हाथ को नहीं प्रवर्तन निर्देशालय। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मामला अभी का नहीं है। साल 2014 में ईडी ने इस केस को दर्ज किया था, हालांकि इससे पहले सीबीआई ने इस केस को दर्ज किया था और इस मामले में सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर मामले को ही बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज किया और उसके बाद से इस मामले में तफ्तीश चल रही थी और इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। और इसी दौरान पिछले जो कुछ दिनों के दौरान जब पवन बंसल से जो पूछताछ हुई है उसी के आधार पर आगे की तफ्तीश आगे बढ़ता जा रहा है और उसी के आधार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी। ब्यूरो जर्नलिस्ट संजीव के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली।